इतने दिनों से जितनी भी बेइज्जती 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 बॉलीवुड की हो रही है, चाहे उसकी मूवीज़ को लेकर, चाहे उसकी अच्छी मूवीज़ को लेकर या खराब मूवीज़ को लेकर भी, बॉलीवुड को हर जगह ट्रोल किया जा रहा है, हर जगह उसे हेट दिया जा रहा है। बिना मतलब के भी बॉलीवुड को हेट मिल रहा है, ऐसा बात नहीं कि सिर्फ मतलब से ही हेट मिल रहा है, लेकिन अच्छी मूवीज़ को भी लोग नहीं देखना चाह रहे। लेकिन इसी बीच शाहरुख खान ने, मुझे लगता है कि इन लोगों से बदला लेने का मन बना लिया है, क्योंकि हमारे किंग खान जो 4 सालों से इंडस्ट्री से दूर रहने के बाद उन्होंने ये मन बना लिया है कि 2023 में धमाका करना ही करना है। इसलिए अभी अभी उन्होंने अपने अपकमिंग मूवी जवान का टीजर रिलीज किया है, जिसको देख के हम तो पूरी तरह से शॉक्ड रह गए गाइस। मतलब कि क्या ही बवाल चीज बना दी गुरु। मतलब टीजर स्टार्ट होते ही शाहरुख पूरा चोटले उटले दिखाई देते हैं, जैसे लड़ भिड़ के कहाँ से आए होते हैं, मतलब कि पूरा एकदम पट्टी वट्टी बांध के जैसे तैसे खुद को खड़ा करते हैं, फिर भी बंदा एटीट्यूड दिखाने को नहीं चूकता है, अपना एटीट्यूड दिखाते हैं, और जो बैकग्राउंड में जो खतरनाक बीजीएम चल रहा होता है गाइस, मतलब कि कमाल का ही बीजीएम होता है, उसे सुन के पूरा गूज़बम्प आ जाता है। और उसके बाद वॉकी टॉकी पे किसी की आवाज़ सुनाई देती है और हमारे सारके की वही किलर स्माइल सुनने को मिलती है उसके बाद, और सारके पूछते हैं कि रेडी गाइस। एक्चुअली अपने फैंस से ही पूछा है उन्होंने कि क्या रेडी हो आप सब जवान के लिए, क्योंकि अब बवाल मचाने का टाइम आ गया और बॉलीवुड को दिखाने का टाइम आ गया है कि हम क्या कर सकते हैं और हम क्या चाहें तो क्या कर सकते हैं। गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है एटली ने, जो कि पहले शंकर के असिस्टेंट्स रह चुके हैं, जिन्होंने रॉबर्ट और आई जैसी मूवी को बनाया है, कमाल के डायरेक्टर हैं एटली। और साथ ही में हमें नयनतारा भी हमें इस मूवी में देखने को मिलेंगे, जिन्हें आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, साउथ की बहुत बड़ी हीरोइन है ये, और उन्होंने विक्रम के साथ मूवी की हुई है, और इस मूवी में वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगी। साथ ही में नया मल्होत्रा भी दिखाई देंगे मूवी में, और SRK हमें इसे डबल रोल में नजर आएंगे, जिसमें पहले वो एक फादर का रोल प्ले करेंगे जो कि एक रॉक ऑफिसर है, और वही एक बेटे का भी रोल प्ले करेंगे जो कि एक गैंगस्टर है। मूवी 2 जून 2023 को रिलीज होने वाली है, उससे पहले पठान रिलीज होगी 25 जनवरी को, इसमें जॉन और दीपिका भी होंगे, और डंकी 2023 में दिसंबर में रिलीज होगी। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जैसे इस साल साउथ मूवीज़ का दबदबा बना रहा था, उसी तरह से अगले साल SRK पूरी बॉलीवुड की बेइज्जती का बदला लेने वाले अपनी मूवी से। कुछ भी कहोगे कि तुम पर इससे डिनाई नहीं कर सकते हो कि SRK कितने कमाल के एक्टर हैं, और ये टीजर एक अलग ही लेवल का है। मूवी कुल 5 लैंग्वेज में रिलीज होगी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। ये SRK की पहली मूवी होने वाली जो कि पैन इंडिया होगी। तो गाइस मुझे तो ये टीजर बहुत ही कमाल का लगा, बॉलीवुड से 2023 में राइज करेगा मुझे ऐसा लगता है। खैर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय। Ready. I'm in a romp with them gyal a roll out them arms. Mmm,